हेलो गाइस, आप सबों का एक बार फिर से ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार ओपन बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, चाहे वो दिसंबर सेशन के स्टूडेंट हो या फिर चाहे वो अदर सेशन के स्टूडेंट हो। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बिहार ओपन बोर्ड का सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में 10th क्लास का सिलेबस का बारे में बताया था। इस वीडियो में आप लोगों को दोस्तों 12th क्लास के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। जो भी हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, ठीक है। मैंने 10th क्लास का सिलेबस ऑलरेडी जो है पिछली वीडियो में बताया था। तो जिन्होंने भी 10th क्लास के स्टूडेंट अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, मैंने सिलेबस के बारे में बताया था। इस वीडियो में दोस्तों मैं खास तौर पे 12th के स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो भी हमारे साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो सभी का सिलेबस मैं बताने वाला हूँ। इस एक वीडियो में आपको सभी का सिलेबस मैं बताने वाला हूँ। तो हमारे बिहार ओपन बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं तो सभी को ये वीडियो पूरा कंसंट्रेट होकर के देखना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देने वाला हूँ, बिहार ओपन बोर्ड का जो सिलेबस होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। बीबोस का जो सिलेबस होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आप सीबीएसई से पढ़ के आए हो या फिर बीएसईबी से पढ़ के आए हो तो उनका सिलेबस और इनका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है। बीबोस का सिलेबस जो होता है सीबीएसई से भी डिफरेंट होता है, आईसीएसई बोर्ड से भी डिफरेंट होता है, बीएसईबी बोर्ड से भी डिफरेंट होता है, एनओएस से भी डिफरेंट होता है। तो दोस्तों सिलेबस को जान लीजिए, नहीं तो आप एग्ज़ाम अच्छा से नहीं दे पाएंगे, आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। तो आपको सिलेबस जानना ज़रूरी है। अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तो आप एग्ज़ाम आसानी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप पहले सिलेबस को जान लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स करके लगातार मुझे बोल रहे थे कि सर सिलेबस के बारे में बता दीजिए, तो आज मैं सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको मैं बता देने वाला हूँ, कुछ दिन के बाद जो है 12th क्लास की एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो हमारे चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बिहार ओपन बोर्ड के स्टूडेंट है तो 100% फैक्ट जानकारी जो है ओपी स्टडी सॉल्यूशन पे दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम की तैयारी जो है आपको ओपी स्टडी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के अलावा किसी दूसरे चैनल पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में लगातार बने रहिए, आपको हम पूरा बताते हैं डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे हिंदी आ गया पहला जो हमारा, चलिए ऊपर में देख सकते हैं दोस्तों, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना, इसका इंग्लिश में मायने होता है बीबोस करके, ठीक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में बीबोस बोलते हैं। उच्च माध्यमिक हो गया, मतलब कि ये 12th क्लास के लिए हो गया, हिंदी हो गया। चलिए जल्दी जल्दी मैं बताना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमारा पहला जो हो गया हिंदी हो गया, ठीक है। हिंदी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, भाग पार्ट वन पार्ट टू, ठीक है। इसका यहाँ पे 301 कोड होता है, आपको सब्जेक्ट आपने फॉर्म भरा होगा तो पता चल गया होगा, ठीक है। अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जा रहे हैं दिसंबर सेशन के। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा चैप्टर हो गया, इसी चैप्टर से हिंदी में आपको एग्जाम में 12th क्लास में पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको पूरा एक एक पढ़ के नहीं बता सकता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप जो है अपना सिलेबस को देखिए किस तरह से है। तो ये इधर देख लीजिए, आप नीचे आ जाइए दोस्तों, नीचे आ जाइए, यहाँ पर हमारा नीचे आ जाइए, हमारा ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू देखने को मिल जाएगा। अगर आपको फ्री बुक नहीं मिला तो आप अपने स्टडी सेंटर में जाकर के अपना बुक ले लीजिए। जो भी दिसंबर सेशन के स्टूडेंट हैं सबका बुक जो है स्टडी सेंटर में भेज दिया गया है, तो आप अपना बुक जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। कोई पैसे नहीं लगते, समझ गए दोस्तों, उसमें आपको ये सारे कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया, ठीक है। इसी सिलेबस से आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नीचे आ जाए दो, जो भी संस्कृत ले रखे हैं तो ये हमारा दो पार्ट में संस्कृत भी मिल जाएगा। अब नीचे आ जाइए दोस्तों, अब भोजपुरी हो गया, भोजपुरी देख लीजिए, मैथिली। अब आपको मैं मैथ ही बताने वाला हूँ तो वेट करिए, ठीक है। जो मैथ के स्टूडेंट है वेट करिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा मैथ का सिलेबस देख लीजिए, या मैथिली फैथली भी लेते हैं तो दोस्तों मगी वगैरह लेते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा धीरे करके आपको स्लाइड करके दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा, मैं दोबारा से वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, तो पूरा पूरा जो भी स्टूडेंट है आप सभी एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है। नीचे देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा 310 हो गया, मैथमेटिक्स मैथ हो गया, गणित का ये हमारा देख सकते हैं, इस सब्जेक्ट इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित जो सब्जेक्ट है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर से। यहाँ पे सेट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया,
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्रिक एवोल्यूशन हो गया, द प्रिंसिपल ऑफ ये जो भी इंडक्शन है, कम्प्लेक्स नंबर से मैं आपको बता देने वाला हूँ दोस्तों, ये कम्प्लेक्स नंबर जो 11th का चैप्टर है एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है बीबोस में आपको 12th में पूछे जाएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये 11th का है, अदर बोर्ड का सिलेबस मैंने देखा है तो परमुटेशन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है 11th पे पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 12th में भी पूछे जाते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम से भी पूछे जाते हैं, सिक्वेंस एंड सीरीज से भी, यहाँ पे कॉनिक सेक्शन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कॉनिक सेक्शन भी ऐड है हमारा, यहाँ पे डिटर्मिनेशन भी हो गया, लीनियर इनक्वालिटीज भी हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग भी हो गया, मैथमेटिक्स रीजनिंग भी हो गया, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैट्रिक्स तो वैसे सब में है, वेक्टर अलजेब्रा से पूछे जा रहे हैं, थ्री डायमेंशनल थ्री डी ज्योमेट्री हो गया, कंटिन्यूटी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों ये सारी चीज़ हैं आप पढ़ लीजिए सिलेबस में आपके, और प्रोबेबिलिटी तो होता ही है। तो ठीक है, तो ये हमारा मैथ का सिलेबस हो गया। चलिए दोस्तों नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए दोस्तों, हमारा ये फिजिक्स देख लीजिए, फिजिक्स भौतिक विज्ञान हो गया, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे ये सिलेबस आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नीचे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री हो गया, नीचे आ जाइए केमिस्ट्री हमारा देख सकते हैं, चलिए केमिस्ट्री हमारा हो गया, ये केमिकल बॉन्ड हो गया, ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको केमिस्ट्री में मिल जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ये हमारा देख। चलिए दोस्तों फिजिक्स का मैंने थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फिजिक्स में यहाँ पे इस तरह से गति हो गया, नियम, कार्य, ऊर्जा, ठीक है, शक्ति, ये हमारा इलेवंथ का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे 12th में पूछा जा रहा है, समझ गए ना दोस्तों। यहाँ पे विद्युत आवेश हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, तो वह तो ये तो रहता है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक करंट से तो पूछा ही जाता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म भी हो गया, सारा कुछ है, तो आप अपना पढ़ लीजिए, ठीक है, दोलन ओलन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए ना दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा 11th का देखने को मिल रहा है मेरे को भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए मैंने आपको केमिस्ट्री का तो बता ही दिया, चलिए अब यहाँ पे जीव विज्ञान का देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो का समझ नहीं आती, रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिएगा, तो दोस्तों वीडियो है, आप जितना बार इसको रिवाइंड करते रहिए, ऐसा नहीं कि एक बार चलने के बाद दोबारा नहीं चलेगा, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है तो बार बार रिवाइंड करके देखिए। जीव विज्ञान भाग वन हो गया, 313 जो है इसका जो है गया कोड है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट है दोस्तों, तो मेरे को नहीं लगता दिक्कत, अगर आप इंडिया में रहते हो तो हिंदी तो आप समझते ही होंगे, समझ गए ना दोस्तों, तो ट्रांसलेट वगैरह कर लीजिएगा, समझ गए दोस्तों। जो इंग्लिश के स्टूडेंट है मैक्सिमम इंग्लिश के ही मिलेंगे, लेकिन आप हिंदी में ही सिलेबस अवेलेबल है, तो इंग्लिश में नहीं है इसका सिलेबस अवेलेबल, इसीलिए मैं आपको हिंदी में ही दिखा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो आप मैनेज करिएगा, जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट है समझ लीजिएगा, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारा जो है हिस्ट्री आ गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 314 हमारा हिस्ट्री आ गया, तो हिस्ट्री में देख सकते हैं दोस्तों किस तरह के हमारे क्वेश्चन, जो भी आर्ट के स्टूडेंट हैं तो यहाँ हिस्ट्री देख सकते हैं, ये सारे हैं आप कर लीजिए। अब आपको भूगोल देख लीजिए, ज्योग्राफी 315, अब नीचे आ जाइए दोस्तों, नीचे आ जाइए, हमारा भूगोल पार्ट टू यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, राजनीतिक विज्ञान आ गया, ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस आ गया नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन हमारा आ गया, अर्थशास्त्र आ गया दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाना जल्दी जल्दी स्टार्ट करता हूँ, आप एक बार इसको पॉज करके देखिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों सिलेबस का। अब नीचे आ जाइए दोस्तों, नीचे देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये व्यवसाय अध्ययन हो गया, ठीक है, लेखा शास्त्र हो गया, गृह विज्ञान, गृह विज्ञान तो सभी लेते हैं दोस्तों, साइंस के भी स्टूडेंट ले ही लेते हैं, ठीक है, ऑप्शनल में भी ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप ये गृह विज्ञान का चैप्टर हो गया, तो आप इस तरह से जो है देख सकते हैं, मनोविज्ञान भी है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस भी हो गया, मनोविज्ञान भी हो गया, ठीक है, नीचे आ जाइए। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये समाज शास्त्र भी हो गया, दो पार्ट में भागा गया, विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया, यहाँ पे शिक्षा भाग यहाँ पे विषय है, तो ये भी हमारा हो गया। अब चलिए दोस्तों मेरे को लग रहा है अब खत्म हो गया, अब अरे बाप रे बहुत है इसमें तो यार, दर्शन शास्त्र भी हो गया, ठीक है, फिलोसफी यह सब है, तो आप लोग जो भी फिलोसफी ले रखे हैं, चित्रकला हो गया, ड्राइंग वरिंग सब है इसमें, ठीक है, संगीत म्यूजिक भी हो गया, अब यहाँ पे योग भी आ गया, योगा होगा भी आ गया, बाबा रामदेव का, ठीक है, तो आप लोग जो भी योग ले रखे हैं तो ये सारे होंगे खत्म, तो यही है दोस्तों। चलिए आप लोगों ने देखा दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड का 12th का सिलेबस मैंने बता दिया, 10th का ऑलरेडी बता रखा है,
तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और दोस्तों जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट है और दिसंबर सेशन के स्टूडेंट है, तो रेगुलर जो है वीडियो आएगी, आपके एग्जाम की तैयारी VVI क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे जो भी स्टूडेंट है तो चैनल के साथ बने रहे, ठीक है, आगे भी इसी तरह की वीडियो अपडेट आपको मिलने वाली है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है दोस्तों। आपको काफी ज्यादा, अगर आप बिहार ओपन बोर्ड के स्टूडेंट है तो इस चैनल पे आपको काफी ज्यादा अच्छी अच्छी नॉलेज जो है और वीडियोज जो है देखने को आगे भी मिलती रहेगी, समझ गए ना दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहे। और दोस्तों एक बात मैं और बता देना चाहूंगा, जो भी हमारे स्टूडेंट है, आप जिस क्लास के भी, जिस सब्जेक्ट के भी एग्जाम देने वाले हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करिए, उस मतलब जिस क्लास का, जिस सब्जेक्ट का भी आपको वीडियो चाहिए, अपना क्लास लिखिए और क्लास लिखिए और अपना सब्जेक्ट लिखिए और हमें मैसेज कर दीजिए, कमेंट्स करिए वहाँ पे, तो मुझे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्टूडेंट है, तो उस सब्जेक्ट पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है दोस्तों। उस सब्जेक्ट की जो वीडियो है रेगुलर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आप वैसे मैं सबका वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन आप अगर कमेंट्स कर देंगे तो मुझे आसानी होगा कि आप, मुझे पता चल जाएगी कि हमारे इतने स्टूडेंट जो है इस सब्जेक्ट के जो है स्टूडेंट जो है चैनल पर अवेलेबल है और एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मुझे आसानी होगी वीडियो बनाने में। तो दोस्तों जाकर के कमेंट्स बॉक्स को जाकर के भर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की वीडियो में नई, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।